दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जवान के छठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों किंग खान की फिल्म जवान ने अंधभक्तों की नींद उड़ाकर रख दी है। फिल्म में ऐसे ऐसे मैसेज दिए गए हैं जो अंधभक्तों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहे हैं। वैसे भी अंधभक्त शाहरुख खान से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन में 46 करोड़ 10 लाख का, तीसरे दिन में 68 करोड़ 20 लाख का, चौथे दिन में 71 करोड़ 57 लाख का और अपने पांचवे दिन यानी सोमवार के दिन में लगभग 26 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 276 करोड़ 87 लाख हो चुका है। वहीं इस फिल्म ने ऑल इंडिया में अपने पहले दिन 74 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन में 53 करोड़ 10 लाख का, तीसरे दिन में 77 करोड़ 50 लाख का, चौथे दिन में 80 करोड़ 10 लाख का और अपने पांचवे दिन में यानी सोमवार के दिन में लगभग 30 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 315 करोड़ 5 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 378 करोड़ 10 लाख हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 200 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 578 करोड़ 10 लाख हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के छठवें दिन के कलेक्शन की तो आज भी इस फिल्म के कलेक्शन काफी अच्छे खासे दिख रहे हैं। ये फिल्म अपने छठवें दिन में इंडिया में लगभग 23 से 27 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में लगभग 620 करोड़ का कलेक्शन भी करने जा रही है। ये फिल्म पहले हफ्ते में 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन भी कर सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का थिएटरिकल बजट लगभग 170 करोड़ है और ये फिल्म सिर्फ 5 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। 2-3 दिनों में इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग भी मिल जाएगा। किंग खान की इस साल ऑलरेडी पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। ये उनकी दूसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही है। वहीं इस साल उनकी एक और फिल्म दुनकी भी रिलीज होने वाली है और दुनकी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो हो ही जाएगी। यानी एक साल में 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देना कोई आम बात नहीं है। एक साल में ही 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का ये रिकॉर्ड आगे शायद कोई भी ना तोड़ पाए। जबकि अक्षय कुमार ने अपने 32 साल के कैरियर में आज तक एक भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दिया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से जवान कितने दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ कमाएगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।